प्यारे बच्चों और नाजरीन आदाब समाजी साइंस की संविदाई क्लास में मैं आप तमाम का दिल की अमीक गहराइयों से ख़ुशामदीद करता हूँ ख़ुशामदीद मैं हैदर अली सौदागर सदर मौलम सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल रंजोड़ खेनी तालुको ज़िला बीदर प्यारे बच्चों क्लास का आगाज़ करने से पहले हजब रिवायत आप अपनी कॉपी कलम को साथ में रखेंगे ताकि अहम नुकात को कलम बंद कर सकें तो चलिए बच्चों हम आज की क्लास का आगाज़ करते हैं बच्चों हमने पिछली जमात में पढ़ा जी बिल्कुल सही कहा आपने ये हमारी रियासत ये हमारी रियासत कर्नाटक का नक्शा है वेल वेरी गुड शब्बाश तो चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े जी ये कौन सी इमारत है ये जो तस्वीर में दिखाई दे रही है ना ये इमारत कौन सी है बताइए जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने ये चार मीनार है ये चार मीनार है तो चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े चार मीनार कौन से शहर में वाका है जी बिल्कुल सही कहा आपने बिल्कुल सही कहा बेटा चार मीनार जी हैदराबाद शहर में वाक़ हैदराबाद है शहर में चार मीनार वाक़ा है तो चलिए बच्चों आज हम उनवान हैदराबाद कर्नाटक के ताल्लुक़ से मालूम वो है पार्ट फोर हैदराबाद कर्नाटक तो आज हम इस सबक में हैदराबाद कर्नाटक के ताल्लुक़ से मालूम हासिल करेंगे ठीक है तो बच्चों आज हम हैदराबाद कर्नाटक के इस इसवान में इस उनवान के साय में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेडर नायकों की बगावतें बेडर नायकों के हुलगली के बगावत और सिंदूर लक्ष्मण सोरपुर के नायक और हैदराबाद कर्नाटक की जद्दोजहद और इसका पस मंजर और वंदे मातरम तहरीक और साथ ही साथ शरण गौड़ा इनामदार इन तमाम नुकात को लेते हुए आज हम मालूमत हासिल करेंगे सबसे पहले बेडर नायकों की बगावत क्या थी बेड़ा नायकों की बगावत हैदराबाद कर्नाटक के इलाके में किस तरह की थी और उनके क्या इसबाब थे इसे लेते हुए हम आगे बढ़ें जी विजयनगर हुकूमत के जवाल के बाद हैदराबाद कर्नाटक में बेड़ा नायकों की हुकूमत थी जी विजयनगर हुकूमत के खात्मे के बाद ख़त्म होने के बाद हैदराबाद कर्नाटक में बेडर या बेडर नायकों की हुकूमत थी वो बहुत जद्दोजहद के हामी थे बहादुर थे दिलेर थे और अठारह सौ सन ईस्वी के बाद बेड़ा नायकों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ला तदाद बगावतें की जिनके इसबाब दर्ज जैल की तरह हैं तो चलिए हम बेडर नायकों की बगावत के असबाब क्या थे इस पर रोशनी डालेंगे ठीक है सबसे पहले मकामी जमींदारों का जुल्म ये इनकी बगावत की अहम वजह बना मकामी जमींदार बहुत जुल्म जुल्माया करते थे दूसरा सबब अंग्रेजों की काबिज़ाना पॉलिसी थी अंग्रेज़ अपने कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के कवायद की बुनियाद पर गरीबों को मजलूमों को अपने जुल्म का शिकार बनाया करते थे उन पर जुल्म किया करते थे उन पर ज़्यादतियाँ किया करते थे उनके ज़मीनात को अपने उसूलों के गलत उसूलों के ज़रिए जो है उनको जब्त किया करते थे उन पर कब्जा किया करते थे इस तरह के उनके रवैयात की बुनियाद पर बेड़ा नायकों ने उनके खिलाफ बगावत की ये इस बगावत के अहम असबाब में से हैं तो बच्चों अंग्रेज़ों की काबिज़ाना पॉलिसी ये भी बगावत की वजह बनी और अंग्रेज़ों के जारी करदा और साथ ही साथ हथियार रखने के लिए जो कानून बनाए गए थे असलाह रखने के लिए जो कानून अंग्रेज़ी हुकूमत ने बनाए थे उसके खिलाफ बेडर नाइकों ने जो है बगावत की ये भी इसका एक सबब रहा बच्चों अगले असबाब में और कुछ नुकात हैं उन पर भी रोशनी डालते चले अगला है जबरदस्ती जैसे जारहाना उमूर से मकामी हुकुमरान और पालीगार जद्दोजहद पर उतर आए तो इस तरह की इनकी जोर ज़बर जो ज़बरदस्ती हुआ करती थी इनका जो जुल्म हुआ कर रहा था इन अंग्रेज़ों का और मकामी ज़मींदारों का जिस तरह का जुल्म हुआ करता था उसके खिलाफ बेडर नायकों ने आवाज उठाई और उनके खिलाफ बगावतें शुरू कर दी अठारह सन ईस्वी में 50 से भी जायद बगावतों में बेडर सरदारों ने हिस्सा लिया बेडर सरदारों ने हिस्सा लिया इन तमाम बगावतों का सिर्फ एक ही मकसद था इन बगावतों का मकसद सिर्फ एक ही था कि अंग्रेजों को बाहर निकालना इन तमाम इन बगावतों का मकसद सिर्फ अंग्रेजों को बाहर निकालना था बेडर नायकों की बगावत की अहम वजह अंग्रेजों को मुल्क से बाहर निकालना था अपने मुल्क की अपने वतन की हिफाजत करना था इसी के चलते एक और बगावत एक खास मकाम पर हुई उस मकाम का नाम है हुलगली बेडर के हुलगली की बगावत जो आज के मौजूदा बागलकोट के जिले मुदोड़ तालुके के एक एक देहात है जिसका नाम उलगली है उलगली बागलकोट ज़िले के मधोड़ तालुके का एक देहात है ये देहात आज भी पहलवानियत में मशहूर है पहलवानियत में मशहूर है हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में इस देहात का नाम मशहूर हुआ वहाँ के जायद लोग बेड़ा नायक थे नायक खानदान से नायक फैमिली से नायक कबीले से नायक तबके से इनका ताल्लुक़ था और ये ज़्यादातर लोग पहलवानियत में जो है अपना लोहा मनवाते थे और अपनी बहादुरी का सबूत देते थे और साथ ही साथ अपने घरों में शिकार के लिए और अपने खुद के तहफ के लिए बेशुमार हथियार भी रखा करते थे बेडर नायक शिकार और तहफुज के लिए उनके पास बेशुमार हथियार भी मौजूद थे इसी के चलते अंग्रेजों ने एक नया कानून नाफिज किया जारी किया अठारह सौ सन ईस्वी के जारी करदा अंग्रेज़ी हुकूमत के हथियारी आयन आर्म्स एक्ट हथियारी आयन आर्म्स एक्ट के मुताबिक हुकूमत की इजाजत के बगैर हथियार रखना जुर्म करार दिया गया जिससे बेडर नायक बहुत आग बगुला हुए मखसूस तौर पर इस कानून के जरिए पहलवानियत में दिलेरी में बहादुरी में शुजात में ताक़त में मशहूर तबका उस इलाके के बेडर नाइक थे उनको जो है अपने जब्त में अपने कंट्रोल में करने के लिए अंग्रेज़ी हुकूमत ने जानबूझकर एक कानून अमल में लाया उस कानून का नाम था हथियारी आयन आर्म्स एक्ट इस कानून के तहत बिला हुकूमत के ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश गवर्नमेंट के बरतानवी गवर्नमेंट के इजाजत के कोई भी हथियार रखना जुर्म करार दिया गया था और बेडर नायकों के लिए बहुत ही बड़ा पेचीदा मसला पैदा हो गया और इसी सब से अंग्रेजों ने बेडर नायकों पर हमला भी किया बेडर नाइक के दिलेर नौजवानों ने डटकर अंग्रेजों के खिलाफ मुकाबले किए बगावतें किए और जुड़ा, बाला और रामी वगैरह बगावतों में बेड, ने बहादुरी का मुजाहिरा भी किया बाला जुड़ा और रामी ये ऐसे शख्सियात थे उस दौर में रामी खुद नौ में से थी लेकिन अपनी दिलेरी का सबूत देते हुए अंग्रेजी अफसरों के होश उड़ा दिए थे इस हमले में कई बहादुरों ने अपनी जान गंवा दी इस हमले में कई बहादुर बेडर नाइक के कई बहादुर नौजवान शहीद हुए लगभग तारीख की किताब में बताया गया है दो सौ लोगों को कैद कर लिया गया और उनमें से 19 बहादुरों को फांसी पर लटका दिया गया 19 बहादुरों को फांसी पर लटका दिया गया और ये होलेगली बेडर नायक जद्दोजहद कहलाई ये उस इलाके में वाका हुई और बेडर नायक उस इलाके में कसीर तादाद में आबाद थे इसलिए उस इलाके की इस तरह की बगावत को जद्दोजहद को हुलगली बेडर नाइक जद्दोजहद कहा गया और ये आज़ादी के लिए कर्नाटक की तारीख़ में एक अहम बाब बन गया उलगली बेडर जद्दोजहद कहलाई और ये आज़ादी के लिए कर्नाटक की तारीख में एक अहम बाब बन, बन गया तो बच्चों आगे हम कुछ मखसूस अगली बगावत में अंग्रेजों के तीन फौजी कितने बच्चों तीन फौजी अफसरों को बंदूक की गोली से कत्ल करने वाली बहादुर खातून रान रामी थी रामी भी कहा जाता है रामी भी कहा जाता है तो ये खातून रामी थी जिसने अपनी बहादुरी दिलेरी के साथ हुलगली बगावत में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ती रही लड़ती रही और अंग्रेज़ों के तीन अहम फौजी अफसरों को बंदूक की गोली से नशाना बनाकर उन्हें कत्ल करी उन्हें कत्ल कर डाला और इस तरह गोली से कत्ल करने वाली बहादुर खातून बेडर नायकों के दौर में कौन थी रामी थी और इसी बगावत में लड़ते 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 रामी का भी क़त्ल हुआ वो भी शहीद हो गई तो इसी के चलते आज भी हुलगली बेडर नायकों पर लिखे गए दास्तानवी गीतों की इब्तदाई कुछ सत्रें इस तरह हैं उसे पढ़ेंगे बच्चों हम पढ़ेंगे ठीक है अच्छी बात है हुलगली के बेडर बहादूरी के शेर होलगली के बेडर बहादुरी के शेर निडर हुआ करती थी जंग निडर हुआ करती थी जंग कर रखा था अंग्रेजों को तंग कर रखा था अंग्रेजों को तंग हुलगली के बेडर बहादूरी के शेर निडर हुआ करती थी जंग कर रखा था अंग्रेजों को तंग कर रखा था अंग्रेजों को करीब मीरज के तालुके के बाजू में ज़िला सांगली है मीरज का तो सांगली ज़िले के जत तालुके में सिंदूर नामी एक गांव है वहाँ साबू और नरसवा नामी नरसवाना नरसवा नामी एक बेडर मियाँ बीवी थे उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम ये लक्ष्मण रखा गया और आगे चलकर वो सिंदूर लक्ष्मण के नाम से मशहूर हुआ और इसकी कब्र भी जो है बेलगली तो चलो बच्चों अब हम सिंदूर लक्ष्मण के कारनामों के ताल्लुक से मालूम हासिल करते हुए आगे बढ़ें सिंदूर देहात में इनामदारों गौड़ा की हुकूमत से लोग तंग आ चुके थे उस सिंदूर इलाके या उस देहात में इनामदार जिनको इनाम में कुछ दिया गया हुकूमत से उनको इनामदार कहा जाता था और करा जबान में उनको कहा जाता था गौड़ा कहा जाता था तो उस सिंदूर देहात में इनामदारों और गौड़ाओं की हुकूमत से लोग बहुत तंग आ चुके थे इस इसलिए लक्ष्मण ने उनके ख़िलाफ़ बगावत शुरू की और आगे चलकर उसने अंग्रेज़ों की भी मुखालफत की तो सिंदूर देहात में इनामदारों गौड़ाओं की हुकूमत से लोग तंग आए थे तंग आने की वजह उनका जुल्म था उनका ज़बर था लोगों को परेशान करना उन परेशानियों की वजह से उनकी जो है लोगों पर जुल्म ढाने की वजह से वहाँ पे लोग परेशान आ चुके थे और उनकी परेशानी के ख़िलाफ़ बगावत करने के लिए लोगों का साथ देने के लिए लक्ष्मण ने भी उनके ख़िलाफ़ बगावत शुरू की आगे चलकर उसकी बगावत अंग्रेजों की मुखालिफत की शक्ल इख्तियार की और लक्ष्मण ने आगे चलकर अंग्रेजों और मालदारों के खजाने लूटना शुरू कर दिया और खजाने लूटकर उससे मिली रकम को गरीबों में बांट दिया करता था लक्ष्मण सिंदूर लक्ष्मण अंग्रेजों और मालदारों के खजाने लूटा करता और उससे जो भी रकम मिला करती उस रकम से वो गरीबों में बाढ़ दिया करता और समाजी रहनुमा बनकर मजलूमों की ख़िदमत करता बेबसों की कमज़ोरों की क्या करता मदद करता इस तरह से इसके इस बर्ताव से लोग खुश थे लेकिन गांव की पंचायत में लूट मार और चोरी के मुतालिक लक्ष्मण की बेइज्जती की गई तो उसे बहुत बुरा लगा और वह अंग्रेजों के उस चिंगल से फरार हो गया और पुलिस अफसर को भी उसी वक्त उसने कत्ल कर दिया और अंग्रेज लक्ष्मण के पीछे पड़ गए और इस तरह आगे लक्ष्मण को अंग्रेजों ने गोली मारकर हिला कर दिया तो बच्चों ये थे सिंदूर लक्ष्मण की जो है एक छोटी सी दास्तान जो आज़ादी के लिए अपनी आप को कुर्बान किए आज़ादी की, की जद्दोजहद में एक बागी बनकर बगावत करते हुए शहादत पाने वाले सिंदूर लक्ष्मण का तारीख़ में एक आला मकाम है सिंदूर लक्ष्मण का एक तारीख़ में आला मकाम है तो चलिए बच्चों एक सवाल लेते हुए आगे बढ़े सवाल है विजयनगर हुकूमत के जवाल के बाद हैदराबाद कर्नाटक में किसकी हुकूमत हुई विजयनगर हुकूमत के जवाल के बाद हैदराबाद कर्नाटक में किसकी हुकूमत थी जी बिल्कुल सही कहा आपने बिल्कुल सही वेरी गुड आपका जवाब बिल्कुल सही है दुरुस्त है बेडर नायकों की हुकूमत थी विजयनगर हुकूमत के जवाल के बाद हैदराबाद कर्नाटक में बेडरा या बेडा नायकों की हुकूमत थी तो चलिए बच्चों आगे हम सुरपुर के नायक के ताल्लुक़ से मालूम हासिल करेंगे सुरपुर के नायक के तालुक से मालूम हासिल करते हुए आगे बढ़े यादगिर जिला जो पहले गुलबर्गा में हुआ करता था इसे जली तौर पर मकाम देकर एक जिला बनाया गया यादगिर जिले के शोरपुर में बेड़ नायकों का भी राज था सोरपुर के राजा कृष्णा नायक की मौत के बाद आठ साल वेंकटप्पा नायक इसका जानशीन बना जो तस्वीर नजर आ रही है ये हैं वेंकटप्पा नायक द हीरो ऑफ द सोरपुर द हीरो ऑफ द सोरपुर सोरपुर के शेर सोरपुर के दिलेर सोरपुर के बहादुर किसे कहा जाता है वेंकटप्पा नायक को तो चलिए बच्चों सोरपुर की हुकूमत के ताल्लुक से मालूम हासिल करते हुए आगे बढ़े सोरपुर की हुकूमत पर निजाम और अंग्रेजों की नजर थी देखिए छोटे छोटे रियासतों पर ये अंग्रेज़ और अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके साथी उस दौर में कौन थे निज़ाम थे अतराफ के छोटी छोटी रियासतों पर छोटी हुकूमतों पर या अक्सर नज़र रखते थे और उनको अब अपने कब्ज़े में करते थे या तो शिकस्त देकर या तो कुछ उनको उनसे दोस्ती करके जंग किया करते या फिर दोस्ती करके उनकी रियासतों को अपने कब्ज़े में ये लोग किया करते थे और इसी के चलते शोरपुर पर भी जब निज़ाम और अंग्रेज़ों की नज़र पड़ी तो वहाँ के शोरपुर के नायक जो है निज़ाम और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपने आप को जो है बगावत में लगाए उनमें से मशहूर नाम जिसका आता है वो है राजा वेंकटप्पा नायक जिन्होंने कृष्णा वेंकट कृष्णा नायक के इंतकाल के बाद सिर्फ़ आठ साल की उम्र में जो है कृष्णा नायक के जानशीन बने थे और आगे चलते हुए अपनी तालीम को मुकम्मल करते हुए वे, राजा वेंकटअप्पा नायक ने अंग्रेज़ी में तालीम पाई थी अंग्रेजी मीडियम में तालीम पाई थी मगर इनके अंदर आज़ादी की मोहब्बत गहरी थी अंग्रेज़ी में तालीम पाई थी मगर इनके अंदर आज़ादी की मोहब्बत गहरी थी आज़ादी की पहली जद्दोजहद में अठारह सन ईस्वी में शोरपुर को जब दस्तक दे रही थी आज़ादी की पहली जंग आज़ादी की पहली जद्दोजहद जिसका आगाज़ हो रहा था उसकी दस्तक शोरपुर तक पहुंची थी तो वहाँ पर उस वक्त वेंकटप्पा नायक भी मुल्क की आज़ादी की पहली जद्दोजहद अठारह सौ ईस्वी में सोरपुर से वेंकटअप्पा नायक भी इसमें शामिल हो गए तो वेंकटअप्पा नायक अपनी बहादुरी और दिलेरी के लिए सोरपुर और उसके अतराफ मशहूर थे जब अंग्रेज़ों की फ़ौज ने सोरपुर को घेर लिया और घमसान की लड़ाई हुई बहुत ज़बरदस्त घमशान लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेजों का एक आला फौजी अफसर मैदान जंग में फौत हो गया मैदान जंग में ही मर गया जिससे अंग्रेजों की हिम्मत भी जो है पस्त हो गई अंग्रेज सोचने लगे कि किस तरह से वेंकटप्पा नायक को हराया जाए शिकस्त दी जाए तो इसके चलते और धोखे से किले को कैसे फता करें इस ताल्लुक़ से धोखे से किले को फतह करने का मंसूबा अंग्रेज़ों के ज़रिए बनाया जाने लगा और इसी के चलते नायक के एक अहम अफसर ने किले में दाखिल होने का रास्ता दिखाया और इस तरह से अंग्रेज़ों की जीत का सबब बना वहाँ से फरार वेंकटप्पा नायक अपनी फ़ौज को बढ़ाने की गरज से निज़ाम हैदराबाद हैदराबाद के निज़ाम के पास पहुंचा लेकिन निज़ाम के वज़ीर सालार जंग ने ये सोचकर अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया कि उसे कुछ फ़ायदा होगा वेंकटप्पा नायक मदद मांगने के लिए गया तो सालार जंग दौरे निज़ाम के वज़ीर थे तो आपने क्या किया वेंकटप्पा नायक को अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया और अंग्रेजों ने तहकीक करवाई और वेंकटप्पा नायक को सजाए मौत सुनाई फिर इसकी सजा को कम करके चार साल कर दी गई और फिर उसी दौरान धोखे से वेंकटप्पा नायक को गोली मारकर कत्ल करके और ख़ुदकुशी की अफवाहें अंग्रेज़ी हुकूमत की जानिब से फैलाई गई उस वक्त वेंकटप्पा नायक की उम्र सिर्फ़ चौबीस साल थी कितनी साल थी बच्चों सिर्फ़ चौबीस साल की उम्र में वतन की आज़ादी के लिए ख़ुद को शहीद किया ख़ुद को मरना मारना पसंद किया किसने वेंकटप्पा नायक ने इसके चलते अंग्रेज़ों ने हैदराबाद के निज़ाम को सोरपुर तोहफे में दिया और आगे चलकर गुलबरगा, बीदर के इलाके हैदराबाद की हुकूमत में शामिल हो गए समाजी तरक्की की फिक्र करते थे ऐसे एक जो है एक आप मुल्क के मुजाहिद आज़ादी थे एक एक अहम मुजाहिद थे तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हुए हम वंदे मातरम तहरीक के तालुक से मालूम हासिल करते हुए चले हैदराबाद कर्नाटक के दौरे हुकूमत में ही जो है यहाँ पे उस दौर में उसी दौरान हुकूमत ने वंदे मातरम के गाने पर भी पाबंदी लगाई और इसके खिलाफ भी जद्दोजहद करने वाले एक नायक थे वंदे मातरम पर पाबंदी लगाने पर उसके खिलाफ जद्दोजहद करने वाले आवाज बुलंद करने वालों में कौन थे एक नायक थे उनका नाम था वंदे मातरम राम चंद्र राव था वंदे मातरम रामचंद्र राव के नाम से वो मशहूर हुए और वंदे मातरम गाने वाले सैकड़ों लोगों को उस दौर में क़ैद कर लिया गया था <coughs> 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 तो बच्चों आगे हम बढ़े रियासत हैदराबाद में कांग्रेस पर इम्तना आयत थी कांग्रेस ने आज़ाद भारत के इतिहाद में हैदराबाद की शमूलियत का मुताबा किया आज़ाद भारत में शरीक होने के लिए दबाव डाला गया था 15 अगस्त 1947 को लोगों ने हैदराबाद में भी झंडा लहराने का फैसला किया सरकार ने लोगों पर और ज़्यादा पाबंदी आयत की और इस तरह से ये जद्दोजहद आगे बढ़ती रही उसके एक और मशहूर रहनुमा शरण गौड़ा इनामदार थे हैदराबाद की आज़ादगी आज़ादी की पोशीदा कार्रवाई के ज़रिए सबको मुतहद करने वाले कौन थे शरण गौड़ा इनामदार थे और उनके मतहद करदा नौजवान ग्रोह रज़ाकारों पर बिजली की तरह बरसने वालों में थे जिसकी वजह से कई गांव रज़ाकारों के जुल्म से बचे और तमाम लोगों में वो सरदार के नाम से मशहूर हुए कौन शरण गौड़ा इनामदार रज़ाकारों के जुल्मों सितम से तंग होकर लाखों लोग हैदराबाद से निकलने लगे और पड़ोसी रियासतों को दरबदर होने लगे और आखिरकार उन्नीस में आज़ादी के बाद भी हैदराबाद की हुकूमत को हिंदुस्तान में शामिल नहीं किया गया था इस दौरान रजाकारों का जुल्मों सितम मुसलसल जारी था आखिरकार हैदराबाद के हालात को सुधारने के लिए हिंदुस्तान की सरकार ने उस वक्त के वजीर दाखला सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी दी तस्वीर में दिखाई दे रहा है यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल द आयरन मैन लोह पुरुष भी कहा जाता है आपको इनके अहकामा से 17 सितंबर 1948 सौ अड़तालीस सन ईस्वी को हिंदुस्तान की फ़ौज हैदराबाद में दाखिल हुई निज़ाम को कोई दूसरा रास्ता ना मिला उसने अपने आप को फ़ौज के हवाले कर दिया इसके बाद हैदराबाद हिंदुस्तान में शामिल हो गया और फिर उन्नीस सौ इक्यावन सन ईस्वी में हैदराबाद इलाके में अमल में आए और अवाम ने अपने नुमाइंदों को मंतख किया मशहूर रहनुमा स्वामी रामानंद तिरथ कलबुर्गी इलाके से लोकसभा पार्लियामानी हलके से चुने गए तो इस तरह बच्चों आज के इस मालूम के साथ जो है हम आगे बढ़ें दर्ज सवाल के जवाब आपको देने हैं मुख्तर से सवाल नंबर एक है उलगली के बेड़ा नायकों ने किस कानून के खिलाफ बगावत की जी बिल्कुल सही कहा आपने हथियारी आय आर्म्स एक्ट कानून के खिलाफ बगावत की चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े अगला सवाल है रामी कौन थी मुख्तर सा सवाल है जवाब आपको जी बिल्कुल सही कहा आपने हुलगली बगावत में अंग्रेजों की तीन फौजी अफसरों को बंदूक की गोली से कत्ल करने वाली बहादुर खातून रामी थी चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े सिंदूर लक्ष्मण कौन थे सिंदूर लक्ष्मण जी बिल्कुल सही कहा आपने वेल वेरी गुड सिंदूर लक्ष्मण अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले पहले बहादुर मुजाहिद थे सिंदूर के पहले बहादुर मुजाहिद थे चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े सोरपुर के राजा कृष्णा नायक की मौत के बाद उसका जानशीन कौन बना बिल्कुल सही कहा आपने आपका जवाब दुरुस्त है आठ साल वेंकटप्पा नायक जानशीन बना तो चलिए अगला सवाल है स्वामी रामानंद कौन थे जी बिल्कुल सही कहा आपने स्वामी रामानंद आजादी की जद्दोजहद के मशहूर रहनुमा थे तो बच्चों अगला सवाल है कर्नाटक के गांधी किसे कहते हैं जी बिल्कुल सही कहा आपने वेल वेरी गुड हरडेकर मंजप्पा को कर्नाटक के गांधी कहते हैं अगला सवाल वंदे मातरम जद्दोजहद का हम बहादुर नायक कौन था जी बिल्कुल सही कहा आपने वंदे मातरम रामचंद्र राव ये क्या थे वंदे मातरम जद्दोजहद का अहम बहादुर नायक थे अगला सवाल है आखिरी सवाल हैदराबाद हिंदुस्तान में कब शामिल हुआ जी बिल्कुल सही कहा आपने 17 सितंबर 1948 सन ईसवी में हैदराबाद हिंदुस्तान में शामिल हुआ तो बच्चों घर पर काम लिए हुए हम आगे बढ़ते हैं और क्लास का अखता करते हैं तो आप हमेशा की तरह कॉपी पेन अपने साथ में रखे हैं और घर पर काम नोट कर लीजिए कलम बंद कर लीजिए बेडर या बेड़ा नायकों की बगावत के मुतालिक लिखे गए दास्तानी गीतों और नगमों को इकट्ठा करिए आपको बेडर नायकों की बगावत के मुतालिक जो भी दास्तानी गीत नगमे लिखे गए हैं उसे आपको इकट्ठा करना है लिख कर लाना है ठीक है बच्चों ये रहा घर पर काम तो बच्चों इसी के साथ आज की इस क्लास का इख्तिताम अमल में आता है अगली क्लास में फिर मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफि इजफ अमानुल्लाह टेक केयर ऑफ़ यूर सेल्फ थैंक यू